इस गिरने हुए बाजार में एक अच्छी खबर है दीप, और उस पर फोकस करते हैं, वो है सनफार्मा को लेकर। अब बोर्ड बैठक हो रही है सनफार्मा की और 17 मार्च को बायबैक पर होगा विचार। क्या सचिन जी कुछ अहम लेवल के आसपास आ गया है जहां खरीदा जा सकता है? खबर अच्छी है, फाइनली कोई तो खरीद रहा है सनफार्मा के शेयर, और कोई खरीदे ना खरीदे, प्रोमोटर खरीदा है। हमने एक विकवाली की राय क्या दी, प्रोमोटर खुद खरीदने आ गए। देखिए अनिल जी, आई थिंक मई में एक स्विंग बना था अराउंड 344 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर स्विंग इनफैक्ट इतने टर्बुलेंट मार्केट में भी वो अभी तक वायलेट नहीं हुआ है, काफी सरप्राइजिंग है। एंड जैसे आपने बताया कि कहीं जाकर थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है ऑन दी आरएसआई, बट इमीडिएटली मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा वेट करना चाहिए। 370 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 370 जब तक ब्रीच नहीं होता आई थिंक तब तक एक रिवर्सल की गुंजाइश नहीं होगी। एंड नीचे मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट लेवल तो वही है मई का, जो एक पैनिक में लो बना था अराउंड 340-344 के आसपास, आई थिंक वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। ओके, तो 370 के आसपास लिया जाए या 345? आई थिंक ब्रेकआउट के बाद ही लेना चाहिए, रिवर्सल होने दीजिए डिक्लाइंस पे। अनिल जी देखिए, फील गुड फैक्टर होता है अनिल जी, गोल्ड जब फील गुड ही नहीं रहा तो अनिल जी सब कुछ गिर रहा है, गोल्ड सिल्वर चांदी ज्यादा गिरी है अनिल जी, वो तो बिल्कुल तेजी में भी नहीं आई, तो पैनिक अनिल जी प्रेशियस मेटल्स के अंदर भी है और कोई सेफ हेवन नहीं है एज ऑफ नाउ अनिल जी। इनफैक्ट ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर सेफ हेवन कुछ बचता नहीं है, एंड ये संकेत ऐसे होते हैं जहाँ पर बॉटम के हम कहीं नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एसेट लीजिए सब गिरती है एक साथ मैं आज सुबह यही बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है सोना गिरना, कि मतलब अब लोगों को है ना सोने में भी पैसे बनते नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि पैसे बनेंगे ही नहीं, दुनिया खत्म, अरे भाई साहब पैसे नहीं बचे बनेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी तो आप बचा के भी क्या कर लोगे, यही टाइम है इक्विटी में डालने का। एक्चुअली आज आपने जो वर्ड यूज किया लेना है वो इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले दो दिनों में मैं भी शॉर्ट कवर करके बैठा था, एंड दो दिनों में जब भी ऐसा लगता था कि आज बॉटम होगा तब वो आवाज घूमती घूमती नहीं लेना नहीं लेना, एंड लोगों को मैं लिटरली वहां से बोला था कि आज जस्ट दो दिन की छुट्टी ले लो, आओ मत यहाँ पर। निफ्टी में सर्किट लग चुका है, बाजार हो चुके हैं बंद, लोअर सर्किट निफ्टी पर लगता हुआ 8624 पर, कितनी देर में सर्किट खुलेगा मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त निफ्टी में सर्किट लग चुका है, लोअर सर्किट हिंदुस्तान के बाजार ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुके हैं, 10% का लोअर सर्किट इस वक्त आपको नजर आएगा, एक घंटे तक अब बाजार बंद रहेंगे, निफ्टी में लोअर सर्किट लगा है और एक घंटे के लिए बाजार बंद रहेंगे, एक घंटे के बाद बाजार खुलेंगे तब देखेंगे क्या होना है। 10% लुढ़कता हुआ निफ्टी, 11% लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी, और फ्यूचर में तो हालत और भी ज्यादा खराब। जब सर्किट के बाद बाजार खुलेंगे तो खुलने के बाद किस तरह का एक्शन दिखाएंगे, क्या और गिरेंगे या सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपके पास कुछ ही मिनटों में आने की तैयारी में, जिस पर हम फोकस करेंगे। बिल्कुल, एक सवाल और यहाँ पे बन रहा है सचिन जी आपसे, कल मैं ब्रोकर से भी बात कर रहा था, एक तो आपके ट्रेडिंग रूम में कैसे संकेत दिए गए हैं आपके क्लाइंट्स को, दूसरा मार्जिन तो बढ़ा ही दिया गया है पर अब अगर सर्किट बढ़ेगा तो फिर से मार्जिन कॉल्स का रिस्क रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है अगर मैं हमारी केस देखूँ तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो काफी लोगों से मैंने बात भी की है, तो आई थिंक जितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो प्रिकॉशंस ऑलरेडी, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं? जैसे मार्जिन इंक्रीज करना एक बहुत नेसेसरी, यू नो 50% तो कर ही दिया था, 100% वो हो गया, एंड उसके वजह से आई थिंक काफी लोग ऑलरेडी बच चुके हैं। ओके, सो ऑलरेडी जो यू नो स्टेप्स लेने चाहिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड इट, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर बड़ी वैसे कंसर्न नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये इवेंट हो रहा था और एक्सेलरेशन यू नो काफी इंपॉर्टेंट था इस पर्टिकुलर मूव में, एंड जिस मैग्नीट्यूड से ये एक्सेलरेशन होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ऑलरेडी तैयार थे और तैयार थे इस बार। एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा है बड़ी कैटास्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव। काफी लोगों को तो कर ही दिया था तैयार, काफी लोगों को तैयार रहो, मत लो इस बार तो खैर ब्रोकर से ज्यादा खुद क्लाइंट ही सावधान हो गए थे, पैनिक नहीं करेंगे, नोट कर लीजिए, पैनिक नहीं करेंगे, पैनिक करने का वक्त है था जब था, अब नहीं करेंगे, अब सावधानी से काम करेंगे, बहुत ओवरबोर्ड नहीं खरीदना है लेकिन सावधानी से, ये लेने का वक्त है बेचने का वक्त नहीं, चिंता मत कीजिए। और प्रिय, हमने आपको पिछले 4 बार के एग्जांपल दे दिए कि किस तरह से बाजार खुलने के बाद रिकवर होता है, बिल्कुल रिकवर हो। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, देखिए क्या शानदार रिकवरी के साथ खुला है बाजार, 8770 ये है निफ्टी पर, कहां 8544 आपको दिख रहा था वहां से 250 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, ये है कमाल आपकी तैयारी का, ये है कमाल आपकी पढ़ाई का, ये है कमाल डेटा का। देखिए 700 अंकों की गिरावट रहेगी, 1900 अंक नीचे रह गया है बैंक निफ्टी, 22101 ये है,
हजार पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, इसलिए मैं कह रहा था प्री ओपनिंग सेशन में जहां खुले वही खरीदिए। अब इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप नहीं खरीद पाए होंगे, ये भी मैं जानता हूं, मैं इसलिए अपना कॉलर ऊंचा नहीं करना चाहता कि देखिए मैंने बोला था खरीद लीजिए, मुझे पता है या तो आप खरीद नहीं पाए होंगे, मौका नहीं मिला अगर आप, या फिर आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे, या फिर आपके पास पैसा भी था मौका भी था आपके ब्रोकर ने नहीं खरीदने दिया होगा, बोला अनिल जी बोल रहे होंगे बोलने दो खरीदना नहीं है। तो जो भी हो लेकिन रिकवरी शानदार होती हुई दिख रही है, 9100 वेरी गुड, ये है बाजार का कमाल, ये है कमाल आप देखिए डेटा का। अब बाजार में जो शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है, गजब की रिकवरी, आधे नुकसान की भरपाई, सिर्फ 4.5% नीचे बचा है निफ्टी, शॉर्ट मत रहिए ये ध्यान में रखिए, 5% नीचे बचा है जहां आज हमने सुबह शुरुआत की थी, एग्जैक्ट वही लेवल पर आ चुके हैं। ये है कमाल आपके लिए डेटा का, रिसर्च का और एकदम सही डायरेक्शन का। पूरे प्री ओपनिंग सेशन से पहले जहां बाजार खुलने के पहले हमने आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि डरिए मत घबराइए मत, इतने दिनों बाद एक महीने के बाद पहली बार आज खरीदने की ढंग से राय दी पूरी रिसर्च के साथ, वो आप देख लीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से होती दिख रही थी। सनफार्मा पर सचिन जी जान लेते हैं, क्योंकि आप बता भी रहे थे स्टॉक में निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवरी आई है, पर वॉलेटाइल मार्केट है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए स्ट्रेटजी तो 100% एक इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए, जिस तरीके से भाव आए हैं मुझे लग रहा है आज का जो बॉटम है काफी अहम है, अभी यहाँ से तो 320 एक लेवल है, आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे ये वायलेट नहीं होता, अगर थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ से आती है तो लेने की अभी कोशिश कर सकते हैं। जो RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस और जिस तरीके से माहौल चाहिए था मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट हो रहा है। मेजर आपको जो थ्रश डालना है मुझे लग रहा है सिमिलरली है कि 370 जैसे निकल जाता है तब आपको हेविली कमिट करना है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है एक बॉटम मिला है जहां पर एक ट्रस्टवर्दी बॉटम है जहां पर आपके स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपकी डिफाइन रिस्क हो सकती है, तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ लेने में अभी कोई हर्ज नहीं है। 320 का स्टॉप लॉस सनफार्मा पर ध्यान रखिए क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है जहां तक निफ्टी नाम का सवाल है। कुछ जी इन्वेस्टर्स की बात की जी एंड आपने मेटल्स की बात की जी, टाटा स्टील मुझे लग रहा है यहां पर कहीं पे एकदम अच्छे वैल्यू जोन पे है टेक्निकली भी, बताइए जिस तरीके से ये 288-265 ये पर्टिकुलर जोन जो बन गया आई थिंक मुझे लग रहा है ये लेने वाला था 265 से 285 या ओके अभी टाटा स्टील या जो लगातार आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स की क्वेरीज हमने सॉल्व की थी जहां पर लोगों को बोला था कि निकलना चाहिए अभी भी लेना नहीं चाहिए होप पे नहीं रहना है, मुझे लग रहा है ये ऐसा लेवल है जहां पर उनको रिविजिट करनी चाहिए अपने इस स्ट्रैटेजी को, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये लेने वाला भाव बन रहा है टाटा स्टील में। मेटल्स में मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है एज एन इन्वेस्टर भी अगर हम देखेंगे अगर दो महीने का भी व्यू लेंगे तो मुझे लग रहा है अराउंड 350 से 380 के जोन में ये स्टॉक होना चाहिए जिस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेटल्स में से टाटा स्टील। एक और सवाल स्टॉक जो सचिन जो भी मैं और मैं अभी बात कर रहे थे ऑरोबिंदो फार्मा, सचिन जी जिस तरह सनफार्मा में रिकवरी आई उससे ज्यादा मजबूत रिकवरी ऑरो में आई है, 14% की रिकवरी फ्यूचर्स में इस समय, एंड इनफैक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था अराउंड 390 के आसपास 400 के जस्ट नीचे, एंड वो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट फ्यूचर्स में उसने पार किया है, कल के एक ही दिन था जहां पर क्लोजिंग उसके नीचे थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी रिकवरी काफी कमेंडेबल है। इनफैक्ट किसी को अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से लेना है तो मुझे लग रहा है एक आइडियल लेवल है अराउंड 410-400 के आसपास, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, एक प्रोबेबल स्टॉप लॉस है, रिस्क आपकी डिफाइन हो चुकी है यहाँ पे, तो आज का लो जो है वो आपका इन्वेस्टर्स के लिए भी वो एक स्टॉप लॉस होगा, तो काफी अच्छे लेवल्स पे है फार्मा में से सनफार्मा एंड अरविंद फार्मा। सनफार्मा और बिंदु फार्मा ये अच्छा है। सचिन जी आपकी लिस्ट में क्या है? दीपांशु यहाँ पर डेफिनेटली फर्स्ट जो आपका बास्केट जाना चाहिए वो एक ब्लू चिप या फिर फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ही जाना चाहिए, जिसमें से मुझे लग रहा है रिलायंस काफी बेहतरीन लेवल्स पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट एक बेहतरीन आइडिया हो सकते हैं, बाटा इंडिया एंड जो फाइनल मुझे लग रहा है कि अगर मुझे फार्मा में से कुछ लेना है तो सन फार्मा एंड कहीं जाकर लुपिन, आई थिंक इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए, तो ये 4-5 स्टॉक आइडियाज काफी अच्छे लेवल्स पे है जहां पर डिप्लॉय करने चाहिए लॉन्ग्स। एक और स्टॉक जो इसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है भारती इंफ्राटेल, सचिन जी उस स्टॉक को देखिए 6.5% ऊपर है इस समय।
इनफैक्ट दीपांशु ये ऐसा स्टॉक है जो लगातार मंडे से एक पॉजिटिव 200 से यहाँ पे मूवमेंट आया। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक 200-190 के आसपास बेस बना है, मुझे लग रहा है काफी इनहेरेंट वहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ है कि 260 के लेवल्स आई थिंक इस पर्टिकुलर स्विंग में ही आने चाहिए। तो इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है 225-227 के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी ये लेना बनता है यहाँ से। अराउंड 260 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश एडिशन करने चाहिए। मुझे लग रहा है एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में, एंड अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाता है, रिकवरी अच्छी हो जाती है, तो आई थिंक ये पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस काफी समय तक बरकरार रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में।